अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो बना कैसे था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो पहला पॉइंट तो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पर ही बन गई थी, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उससे पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। इसकी पहली सिटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और इसके बाद यानी कि ये जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब ये डिवाइड हो गई तो अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ लोग पाकिस्तान वाली में रह गए, तो उन्हें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वापस रीअसेंबल करी गई, किसके लिए? डिवाइडेड इंडिया के लिए, 14 अगस्त 1947 में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे? तो इनके मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट हुए थे, और इनको इलेक्ट किया था प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स ने, और ये जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली है ये 1935 में इस्टेब्लिश की गई थी, यानी कि 1935 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश की गई। इस असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कम्पोज रफली बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जिसे कैबिनेट मिशन कहते थे। कैबिनेट मिशन क्या है? एक कमिटी है ब्रिटिश कैबिनेट की, इसने एक प्लान प्रपोज किया था और उसी प्लान के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कम्पोज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, पहला, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट वॉज अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10,00,000। यानी कि हर प्रोविंस को, हर प्रिंसली स्टेट को उतनी ही सीट्स अलॉट की गई थी जितनी प्रोपोर्शन में उतनी उनकी पॉपुलेशन है। सपोज अगर एक प्रोविंस की पॉपुलेशन 30,00,000 है तो उनको 3 सीट्स अलॉट की गई, तो 10,00,000 पे एक सीट इस रेशियो में, मतलब रफ रेशियो है ये, इस रेशियो के अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट की जा रही थी। तो इस हिसाब से प्रोविंस को मिली थी 292 मेंबर्स, यानी 292 सीट्स मिली थी, और जो प्रिंसली स्टेट था, हर प्रिंसली स्टेट को 93 सीट्स मिनिमम मिल रही थी। और इन दोनों में, प्रोविंस में भी और प्रिंसली स्टेट में भी, जो सीट्स थी वो 3 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? पहली मुस्लिम, दूसरे सिख, और तीसरे जो जनरल हैं वो। और इनको भी उतनी ही सीट्स मिल रही थी जितना इनका, जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो थोड़ी ज़्यादा सीट्स मिल गई, कम पॉपुलेशन है तो एक आध दो सीट मिल गई। फिर तीसरा पॉइंट, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ PR विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और तो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट हमने देखे थे, तो प्रिंसली स्टेट की बात अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। फिलहाल प्रोविंस यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा था, जो कम्युनिटी के मेंबर्स थे, हर कम्युनिटी का मेंबर जो है वो किस तरीके से इलेक्ट किया जा रहा था, बाय द मेथड ऑफ PR विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये तो किसकी बात हुई? प्रोविंस वालों की। जो प्रिंसली स्टेट वाले थे वो कैसे इलेक्ट हो रहे थे? तो द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज टू बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स में कैसे सिलेक्ट करे जाते थे? कंसल्ट करके। मतलब देखें तो सबसे पहले एक था प्रोविंस, एक थे प्रिंसली स्टेट, दोनों को अपनी अपनी पॉपुलेशन के अनुसार सीट्स प्राप्त हुई, ठीक है। प्रोविंस को कितनी मिली थी? 292, और प्रिंसली स्टेट्स को मिनिमम 93। उसके बाद हर प्रोविंस में क्या था? हर प्रोविंस में 3 कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइडेड थी। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और जनरल। ये भी किसके अकॉर्डिंग? उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा था? कोई भी कम्युनिटी का जो मेंबर था वो कैसे इलेक्ट कर रहे थे उसको? PR सिस्टम से विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बल्कि प्रिंसली स्टेट में क्या हो रहा था? प्रिंसली स्टेट में कंसल्ट करके इलेक्ट किया जा रहा था, सिलेक्ट किया जा रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पोजिशन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्लान ऑफ जून 1947, इससे हुआ इंडिया का पार्टीशन. क्या हुआ? इंडिया का पार्टीशन हुआ. जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका भी पार्टीशन हो गया. पार्टीशन से पहले इसमें 389 मेंबर्स होते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स रह गए. ऐसा क्यों? ये इंडिया और पाकिस्तान हमारे बट गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए. लेकिन जो मेंबर्स पाकिस्तान में आए, दे वर सीज्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यानी कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें पाकिस्तान के लोग भी थे, लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तान लोगों को अलाउड नहीं था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट अभी भी रहे, मेंबर्स अभी भी रहे. तो इस वजह से जो पहले 389 मेंबर्स थे वो अब सिर्फ 299 रह गए, बाकी बचे हुए पाकिस्तान चले गए. फिर 24 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड कर दिया गया, साइन वाइन हो गए, लेकिन तब सिर्फ 284 मेंबर्स आए थे साइन करने. जो बाकी के 15 मेंबर्स थे वो जूम कॉल पे पंडित की कहानी श्वेता की ज़ुबानी सुन रहे थे. तो इस वजह से सिर्फ 284 मेंबर्स साइन करने पहुंचे गए थे. उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन चलन में आ गया. लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी, लोग मार रहे थे एक दूसरे का, बिल्कुल हत्या ही कर रहे थे, रिलीजन के नाम पर वॉयलेंस की जा रही थी. लेकिन इस अनइमेजिनेबल वॉयलेंस के कारण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उन्होंने कुछ लेसन्स सीखे, इससे सीख मिली. पहली सीख, मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन. हर रिलीजन को इंक्लूड किया गया. क्यों? क्योंकि वॉयलेंस हो ही रिलीजन के नाम पे रही थी, तो इस वजह से सारे रिलीजन्स को इन्वॉल्व किया गया जिससे आगे कोई वॉयलेंस ना हो. दूसरा, द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट. ने बेसिकली धीरे धीरे सबको इंटीग्रेट करा जा रहा है. तीसरा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड द असेंबली विद 82% ऑफ द सीट. ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसके पास 82% सीट्स थी. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पार्टी है, तो वो हर ओपिनियन को अकोमोडेट कर सकती थी, तो इस वजह से उसके पास 82% सीट्स थी. अब एक होमवर्क क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में कितना वक्त लगा था.